आपने इसका पहला पार बनाया। कोशिश करें आप स्टेप बाय स्टेप चलें। ये हमारा बन गया जी फ्लैट वाइट विथ सो मेरा बन गया जी अफोगाटो। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बरिस्ता आसिफ अली। आज हम सीखने जा रहे हैं कॉफी अफोगाटो और फ्लैट वाइट कैसे बनते हैं और इसको बनाने का तरीका क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। सो आ रहे हैं बिस्मिल्लाह। सो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लैट वाइट। सो फ्लैट वाइट के लिए हम ले लेंगे ग्राउंड कॉफी। सो ग्राउंड कॉफी से कॉफी कैसे लेंगे वो भी आप देखें। सबसे पहले मैंने ये ग्रुप हैंडल उठाया। सो हमने कॉफ़ी लिए, इस आपने लेना है 18 ग्राम। मैंने हर चीज़ मशीन में सेट करके रखे हुए हैं। आप इसको मशीन वेट भी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। सो चले और भी आगे चलते हैं। फिर आपने डिवाइडर उठा के आपने इसको डिवाइड करना है, देखें। फिर आपने टेम करना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है ना मशीन में आपने इन करना है इसको। सो पहले मशीन का आपने पानी छोड़ना है। पानी छोड़ने के बाद आपने मशीन करके हमेशा फ्लैट वाइट डबल शॉट से बनते हैं। कोशिश करें डबल शॉट और फ्लैट वाइट कैपेचिनो लाटे के मिक्स होगा, यानी स्ट्रॉन्ग होंगे, मिल्क ज़्यादा होंगे, कैफीन ज़्यादा होंगे। फ्लैट वाइट में आप होंगे मिल्क टेक्सचर टाइप का, ना कैपेचिनो टाइप का ना लाटे टाइप का, टेक्सचर टाइप का थोड़ा सा पतला होंगे मिल्क। सो मैं कप लेता हूँ 32 ग्राम शॉट हमने लेना है। ये देखें सेकंड भी चल रहे हैं, टाइम भी चल रहा है। ये देखें हमारा 25 सेकंड में 32 ग्राम हमारा शॉट आया है। रामा बिल्कुल बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। सो मैंने पहले मिल्क लिए हुए हैं। सो मैंने लिए हुए 200 ग्राम के मिल्क। अब हमने इसको फ्लैट वाइट बनाना है। सो थोड़ा नज़दीक आए इस साइड से। ना आपने कैपेचिनो टाइप रखना है मिल्क, ना आपने लाइट लाटे टाइप रखना है, बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है। इसका टेम्परेचर जो है ये 55 to 65। अभी मैं बना रहा हूँ फ्लैट वाइट, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर भी कोई बेहतर सा कोई आर्ट सीखे। ये देखें हमने शॉट उठाया। अब आए नज़दीक से, ये देखें कोई नया आर्ट सीखते हैं। ये आपने इसका पहला पार बनाया, फिर आपने इस तरह से इसका दूसरा पार बनाना है, फिर आपने इस तरह से तीसरा पार बनाना है, फिर आपने कप को इस तरह आहिस्ता आपने घुमाना है, जैसे आपने कप घुमा के अपनी तरफ करना है इस तरह। फिर आपने सारा दूध इसमें गिराना है, ये देखें ये इसमें गिराना है आपने। जैसे ये ड्रॉप गिरे फिर आपने पिचर को उठा के देखें, आपने ये पहले पार से आपने शुरू करना है, ये देखें। फिर आपने इसका गर्दन बनाना है, देखें ये आपका गर्दन बने। फिर आपने इसका पिछला पाँव बनाना है, देखें ये लगाया फिर ये उठाया, ये लगाया फिर उससे अगला वाला पाँव। फिर आपने इसका दुम बनाना है, देखें दुम इसका दुम बन गया। फिर आपने इसका एक पैर बनाना है, फिर उसका अगला पैर बना के पीछे करना है। फिर आपने फिर इधर गर्दन से आपने ऊपर करते हुए ऊपर लेके जाना है। फिर आपने इसको नीचे करके इसका सर बनाना है। ये स्टेप बाय स्टेप है, कोशिश करें आप स्टेप बाय स्टेप चलें। ये हमारा बन गया जी फ्लैट वाइट विथ 3 पार यूनिकॉर्न में। सो हम नेक्स्ट चलेंगे अफोगाटो कैसे बनते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ये हमारा आप बन गया, देखें ये हमारा फ्लैट वाइट बन गया ब्यूटीफुल आर्ट के साथ। आप कोशिश करें कोई नॉर्मल सा आर्ट बनाएं, क्योंकि मैंने स्पेशल बनाया, क्योंकि हर वीडियो मैंने नॉर्मल वीडियो आर्ट दिखाया, तो इसमें मैंने कुछ अच्छा सा दिखाने की कोशिश किया। कोशिश करें बिगनर से आप शुरू करें, नॉर्मल कोई सादा आर्ट बना के आगे
आर्ट बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ना आपको पिक्चर की कोई फर्क पड़ता है ना का, आपको प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपका लाट आर्ट बेहतर होंगे। जैसे आपका लाट आर्ट बेहतर होते हैं फिर आप कोई अच्छा सा पिक्चर खरीद के उसके ऊपर ट्राई करने की कोशिश करें। सो हम नेक्स्ट चलेंगे अफोगाडो कैसे बनते हैं। सो हम इसको निकाल के हम अफोगाडो की तरफ चलेंगे। अफोगाडो के लिए भी वही आपने सेम कॉफी लेना है, मैंने इस मशीन में पहले ऑलरेडी सेट करके तो लेता हूँ डबल शॉट। आप सिंगल शॉट से भी बना सकते हैं, अक्सर लोग सिंगल शॉट से बनाते हैं वो भी बेहतर है, लेकिन डबल शॉट से बेहतर रहता है। सो आपने पहले आपने लेना है ग्राउंड कॉफी, सो मैंने लिया 16 ग्राम्स ग्राउंड कॉफी। इसको मैं इक्वल करके डिवाइडर से इसको फिर 10 करते हैं, फिर आपने फिर एक मशीन से आपने हर शॉट पे आपने ये पानी छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके शावर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ फंसे होते हैं तो वो दूसरे कॉफ़ी के साथ दूसरे शॉट के साथ मिक्स ना हो, आपका कॉफ़ी का टेस्ट ख़राब ना हो। सो आपने पानी आपने पहले अपने छोड़ना है। सो मैं करता हूँ, मैं यहाँ से कप उठाता हूँ, कप के साथ मैं वेट मशीन भी उठाता हूँ। सो वेट मशीन मैंने उठाया। अब इसका जो बेसिक तरीका है वो दो तरीके, आप इसके अंदर शॉट डाल के आप वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, या वनीला आइसक्रीम इसके ऊपर कप के अंदर डाल के आप शॉट भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं पहला दूसरा वाला मेथड यूज़ करूँगा, वनीला आइसक्रीम इसमें डाल दूँगा, फिर इसके ऊपर से हमने एस्प्रेसो शॉट डालते हैं। सो वनीला आइसक्रीम डालने के लिए नज़दीक आए, ये मैंने वनीला आइसक्रीम पहले से ही लिया हुआ है ताकि टाइम जाना हो। मैं ये फोक यूज़ कर रहा हूँ, आप स्कूप भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। आपने 60 to 80 ग्राम्स आपने वनीला आइसक्रीम लेना है, ये देखें। सो मैंने लिया 80 ग्राम्स वनीला आइसक्रीम, या आपके पास कुछ और फ्लेवर का आइसक्रीम है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वनीला आइसक्रीम ही लेते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इसके ऊपर आपने एस्प्रेसो शॉट आपने एक्सट्रैक्शन करना है। सो देखें और नज़दीक से देखें ये शॉट कैसे आते हैं। सो मेरा बन गया जी अफोगाडो, ये देखें। तो इन्वेंट के इटालियन वालों ने, इटली वालों ने, सो वहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं कॉफ़ी बेस्ड डिज़र्ट, कॉफ़ी बेस्ड डिज़र्ट ये है, इसको अफोगाडो भी बोल सकते हैं। क्या है इसका बनाने के तरीके, पहले आपने वनीला आइसक्रीम लिया 80 ग्राम्स, आपने इसके ऊपर आपने कॉफ़ी एक्सट्रैक्शन आपने किया, इसके ऊपर आपने एस्प्रेसो डाल दिया। सो आपका क्या बन गया जी, अफोगाडो। आज हमने सीखा फ्लैट वाइट और अफोगाडो कैसे बनते हैं, तरीका क्या है। सो इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे आगे भी, आप भी सीखते रहें मैं भी सीखता रहूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।